गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। इंडिया कैसे हैं आप सभी? व्हाट्सअप। आज क्या कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अभी हम पार्ट सेकंड कंप्लीट नहीं वाला भी हमारा कौन सा था? शहद की कहानी। क्या है? शहद की कहानी, ये हमारे चैप्टर का नाम था। तो इसमें हमने क्या क्या चीज कर ली थी? इसमें शब्दार्थ कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और क्या किया था? छोटे वाले क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे, लघु प्रश्न उत्तर। फिर उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाएंगे, ये भी करवा लिया था। जिस शब्द से किसी काम का करना हो, करना या हो पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, ये भी करवाया था, ठीक है। लिंग बताएंगे, ये भी बताया था। विलोम शब्द, ये भी करवा दिए थे आपके, ठीक है। अभी क्या करेंगे? दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर शहद कहाँ से मिलता है? शहद कहाँ से मिलता है? शहद कहाँ से मिलता है? तो बताइए शहद कहाँ से मिलता है? तो इसका सॉरी इसका जो आंसर है, शहद कहाँ से मिलता है? शहद मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। कहाँ से? शहद शहद मधु के छत्ते से मिलता है, ठीक है। शहद मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। आप सेकंड वाला क्या कह रहा है? ये है हमारा सेकंड, मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है? मधुमक्खी मक्खियां शहद कहाँ सॉरी कैसे तो
देखिए कैसे बनाती है। शहद फूलों का मीठा रस होता है। फूलों का मीठा रस होता है। ये मक्खियां फूलों से रस लाकर उससे शहद बनाती है। क्या कह रहा है? मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? तो देखिए, शहद फूलों का मीठा रस होता है। ये मक्खियां फूलों से रस लाकर उससे शहद बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और फिर थर्ड वाला क्या है? छत्ते से क्या क्या मिलता है? तो इसको करते हैं हम इरेज। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है। देखिए, छत्ते से क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? मधुमक्खी के मधु मधुमक्खियों के इन छत्तों से शहद शहद भी मिलता है और मोम भी शहद हम सबके लिए बहुत उपयोगी
यहाँ आपसे बोला था कि मधुमक्खी का छत्ता का चित्र आपको बनाना है, उसमें रंग भरना है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा और अपनी अपनी पसंद का इसमें जो टेबल बनाना था खाने का वो आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है कि नहीं बनाया? तो ये हो गया आपका, इसमें अब है क्या आपका मधुमक्खियों की पांच विशेषताएं। ठीक है, ये एक रह गया है तो आपको इसको कर करा देंगे, बाकी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ओके बच्चों, चलिए ओके टीचर बाय।